नमस्कार सभी को, मैं पवन, इतिहास प्रवक्ता। इतिहास विषय की परीक्षा जो 7 सितंबर 2020 को होने जा रही है, उससे संबंधित बहुत सारे प्रश्नों का संशय अध्यापकों, अभिभावकों और बच्चों में बना हुआ है। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। और ये प्रश्न रहेंगे, कब होंगे, कितने अध्याय के प्रश्न पूछे जाएंगे, विशेष निर्देश क्या हैं, कितने अंकों का प्रश्न पत्र रहेगा और पेपर किस समय और किस तरह से होंगे, तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको देने वाला हूं। पहला है कब होंगे, इसके संदर्भ में डेट शीट आप तक जो है पहुंच चुकी होंगी, क्योंकि ये डेट शीट बहुत पहले ही आ चुकी थी। इसमें थोड़ा सा एक परिवर्तन किया गया है, वो है कि जिन सब्जेक्ट्स को हर घर पाठशाला के अनुसार नहीं पढ़ाया गया था, उन सब्जेक्ट्स के लिए 3 दिन निश्चित कर दिए गए हैं, वो है 15, 16 और 17। पहले केवल 15 सितंबर का दिन जो है निश्चित किया गया था, तो इसके बारे में ज़्यादा हम नहीं बात करेंगे। दूसरा है कि कितने अध्यायों से प्रश्न पूछे जाएंगे, ये इम्पॉर्टेंट है। इतिहास वाले जानना चाहेंगे तो इतिहास के लिए प्लस वन के लिए है कि आपके जो प्रथम 4 अध्याय हैं वहाँ से इस एग्ज़ाम में प्रश्न आएंगे। पहला अध्याय आपका समय की शुरुआत से, इसमें से जो काटा गया हिस्सा वो है ऑस्ट्रलोपिथिक्स, मानव के बारे में, और प्रतिस्थापन और क्षेत्रीय निरंतरता जो मॉडल है उसको काटा गया है। दूसरा अध्याय है लेखन कला और शहरी जीवन, इसमें जो काटा गया है वो दक्षिण में मेसोपोटामिया का जो शहरी भाग है उसमें से छोटा सा हिस्सा है मंदिर और राजा, यही काटा गया है। तीसरा अध्याय है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, यानी रोमन साम्राज्य की बात हम कर रहे हैं, इसमें से सामाजिक श्रेणियां और पशुवर्ती पूरा काल को काटा गया है, छोटा सा हिस्सा काटा गया, बाकी वैसे के वैसे हैं। इस्लाम का उदय और विस्तार, यहाँ से अरब में इस्लाम का उदय कैसे हुआ, कब हुआ, ये काटा गया है, और खलीफाओं का शासन, जो 4 खलीफे हैं उनके बारे में जो जानकारी वो काट दी गई है। तो ये 4 जो पहले आपके अध्याय हैं उनकी तैयारी आपको इन पेपर्स के लिए करनी होगी। दूसरा आता है प्लस टू कक्षा, इसमें भी पहले जो 4 आपके अध्याय हैं वो इस अध्याय से ही आपके प्रश्न आने वाले हैं। पहला अध्याय है इंट मनके तथा अस्थियां, ये हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो है वो अध्याय है, इसमें केवल छोटा सा हिस्सा वो है विलासिता की वस्तुएं और प्रसाद और शासक, ये काटा गया है। दूसरा है वो है राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं, ये महाजनपद के बारे में संबंधित क्वेश्चन है, और इसमें अगर आप ये करें कि 16 महाजनपद में एक जनपद आता है मगध, सबसे बड़ा महाजनपद जिसने आने वाले समय में एक बहुत बड़ा साम्राज्य विस्तार किया था, किसके द्वारा, मौर्यों के द्वारा और गुप्तों के द्वारा। इस प्रकार से ये हिस्सा नहीं काटा गया है, तो आपने मौर्यों को भी पढ़ना है और गुप्त साम्राज्य के बारे में भी पढ़ना है, तो ये दूसरा अध्याय। तीसरा है वो है बंधुत्व जाति तथा वर्ग, आरंभिक समाज, ये महाभारत के संदर्भ में ये अध्याय है, जिसमें जो काटा गया है वो है विवाह के जो प्रकार है वो काट दिए गए हैं, जन्म के परे संसाधन और प्रतिष्ठा, और एक गतिशील ग्रंथ केवल एक छोटा सा हिस्सा काटा गया है। चौथा है विचारक विश्वास और इमारतें, सांस्कृतिक विश्वास, जिसमें धर्मों के बारे में हम पढ़ते हैं, जैन धर्म, बौद्ध धर्म के संदर्भ में, तो इसमें अधिकतर हिस्सा वैसा का ही वैसा है। आपने इन 4 पहले अध्यायों की तैयारी इस एग्जाम के लिए करनी है। कितने प्रश्न रहेंगे उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। विशेष निर्देश, ये हमेशा प्रश्न पत्र के पहले दिए होते हैं, लेकिन बच्चे इसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं करते हैं, क्योंकि इतिहास में जो आपके मार्क्स आते हैं वो इन निर्देशों के अनुसार जो है वो ज़्यादा आने की संभावना रहती है, इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़ें, इसलिए पहले ही मैं आपको दे रहा हूँ। पहला है प्रश्न पत्र में पूछे गए सही प्रश्नों के उत्तर प्रश्नों के अंकों के आधार पर दें, ये बहुत गलत करते हैं बच्चे, कि प्रश्न आता है उनको 2 नंबर का आया है और आप उसको लिख रहे हैं 5 नंबर के हिसाब से, बहुत बड़ा पेज 2-2, 3-3 पेज में लिख लेते हैं, आपको उत्तर में केवल 2 अंक ही मिलेंगे, 5 नहीं मिल सकते हैं, तो जितना जरूरी है उतना ही लिखें। तो 2 अंकों के लिए 30 शब्दों का इस्तेमाल करें, लगभग 2 लाइनें बनती हैं या ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाइनें बनती हैं, या 3 अंकों के लिए 80 शब्द, 4 के लिए 100 शब्द और 5 के लिए 120 शब्द, 4 और 5 के लिए जो हैडिंग बार जो है प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो आपके हैडिंग सुंदर होने चाहिए, जो महत्वपूर्ण बातें कई बच्चे जो है उनको हाईलाइट भी करते हैं, उनको जो है अंडरलाइन भी करते हैं, जिससे क्या होता है संबंधित अध्यापक उसको ध्यान से पढ़ लेता है, उसको मालूम हो जाता है कि बच्चा ने, क्योंकि इतिहास में डेट्स और जो इम्पोर्टेंट जो नाम होते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट मायने रखते हैं, तो उनके मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं, तो इस प्रकार से आप इन विशेष का ख्याल रखेंगे इन बातों का। छठा है लिखाई का विशेष ध्यान दें और उत्तर देते समय प्रश्न पत्र में डाली गई प्रश्न संख्या को ना बदलें, बहुत बच्चे ऐसा करते हैं, टेबल मार्किंग में ऐसा देखने को मिलता है कि मान लो मुझे 1 से 20 प्रश्न जो करने के लिए आए हैं, मुझे 7वां प्रश्न जो पहले आता तो मैं लिखूंगा सबसे पहले प्रश्न संख्या 7
और प्रश्न को लिख लेंगे। कई बच्चे लिखते हैं, कल लिखते हैं का उत्तर है, वो भी ठीक है, लेकिन प्रश्न लिखेंगे तो वो हमारे लिए बहुत ही बेहतर होता है। और उसको आप बड़े अक्षरों में लिखते हैं, मोटे अक्षरों में लिखते हैं, तो और भी बढ़िया हो जाता है। तो बहुत सारे बच्चे सात नहीं लिखेंगे और लिखेंगे प्रश्न संख्या एक, और वो गड़बड़ हो जाता है। इस वजह से क्या कि हमें प्रश्न पत्र बार बार पढ़ना पड़ता है। तो आप समय का ख्याल रखें और सही ढंग से जो है पेपर दें, ताकि आपके कोई भी नंबर ना काटें। उसके बाद आता है चौथा, कितने अंकों का प्रश्न जो है पत्र रहेगा। तो ये चाहे वो 11वां हो चाहे 12वां हो, सबके लिए जो एक ही पैटर्न रखा गया है वो है कि एक अंक के प्रश्न जो है वो चार पूछे जाएंगे। हर अध्याय से एक प्रश्न अंक रहेंगे चार। दो अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे आठ, हर अध्याय से दो प्रश्न पूछे जाएंगे, अंक होगा 16। तीन अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे चार, हर अध्याय से एक एक प्रश्न पूछा जाएगा, कुल अंक 12। चार अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे दो और अंक रहेंगे आठ, और पांच अंकों के पूछे जाएंगे दो और अंक रहेंगे 10। पांच अंकों के जो प्रश्न है उनके लिए आपके पास चॉइस रहेगी, या में ये प्रश्न आएगा आपको या तो पहले वाला करना होगा या दूसरी ऑप्शन लेना पड़ेगी। लेकिन यहाँ भी बच्चे दोनों ही कई बार उनको आते हैं, वो दोनों ही कर देते हैं, तो आपके एक के ही आपको उसके उत्तर के अंक मिलने वाले हैं। तो बेहतर है आप एक प्रश्न जो सबसे बढ़िया आता है उसको ही करें, समय का इस्तेमाल करें, सदुपयोग करें। फिर अब आती है कि क्या इस बार मानचित्र से संबंधित प्रश्न आएगा। मैं कहूंगा बिल्कुल भी नहीं, इस बार नहीं आने वाला, अगली बार जो है हो सकता है आपका ये प्रश्न आए। तो मानचित्र से संबंधित आपको प्रश्न नहीं आने वाला है। पूछे गए कुल प्रश्न रहेगी संख्या 20 ये, लेकिन 20 जो है मैं या के साथ नहीं, या के साथ हो जाएंगे ये 22 क्वेश्चन, और कुल अंक जो रहेंगे वो रहेंगे 50। तो इस प्रकार से आपने इस तरह से अपने पेपर्स की तैयारी करनी है। पांचवा जो क्वेश्चन था वो था आपका, वो था कि पेपर किस समय और किस तरह से होंगे। इसके भी बहुत सारे जवाब मिल चुके हैं, लेकिन अभी भी कोशिश करेंगे 11 बजे आपका एग्जैक्टली व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो प्रश्न पत्र पड़ जाएगा, और आपको उसको खोलेंगे, और उसके बाद खोलने के पश्चात आप उसे अपने किसी दूसरे पेपर के ऊपर उसको उतार लेंगे, लिख लेंगे। लेकिन यहाँ पर समस्या क्या आ रही है कि कुछ बच्चों का व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे ये भी आ गया है, प्रश्न पूछे हैं कि हम तीन भाई बहन हैं और एक पेपर में हम जो है तीनों ही पेपर आने वाले हैं, तो हम उस समय क्या करेंगे, क्या आधा घंटा सफिशेंट होगा। तो यहाँ पर उनको ये कहा गया है कि जो बच्चा देना चाहता है वो दे दे पेपर, और जो नहीं दे पाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्लासेस जो हैं, जो खासतौर पर जो बोर्ड की पेपर और क्लासेस वाले बच्चे हैं, वो तो अवश्य दें। जो नहीं दे पाएंगे वो इन्फॉर्मेशन अपने गुरुजन को देंगे, और गुरुजन उनकी परीक्षा अपने समय के अनुसार जो है वो ले लेंगे अपने प्रश्न पत्र के द्वारा। 11 से 30 और से लेकर 1:30 तक जो समय रहेगा वो रहेगा आपका हल करने का समय। दो घंटे आपको दिए जा रहे हैं, 11:30 से लेकर 1:30 आप हल कर लिखने के लिए आपको टाइम दिया जा रहा है। उसके तुरंत पश्चात आप क्या करेंगे, इस पेपर की फोटोज लेंगे, जितना लिखा होगा हिस्सा, और इसको आप एक साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो अपने अध्यापक को भेज देंगे, ये आप करेंगे। उसके पश्चात आप इस कॉपी को अपने पास रखेंगे, हार्ड कॉपी के जिसके ऊपर आपने लिखा है, और 17 सितंबर तक अभिभावक आंसर सीट की, अभिभावक की बात आती है तो अभिभावक को हर अध्यापक फ़ोन कर रहा है, क्योंकि इस समय अभिभावकों की ज़्यादा आवश्यकता है, वो उनकी देखरेख में ही ये आपका पेपर होने वाला है, क्योंकि हमारे पास नेटवर्क की बहुत कमी है, और हमारे वो बच्चे ज़्यादा शामिल होते हैं ख़ास तौर पर गवर्नमेंट स्कूल में, जहाँ पर बच्चों के पास संसाधन नहीं होते हैं, बहुत कम होते हैं, तो अभिभावक को ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 17 सितंबर तक अभिभावक जो है कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए इस सीट को, अपने बच्चों की सीटों को जो है वो जमा करवा देंगे स्कूल में, या फिर जो अध्यापक संबंधित विषय के अगर नज़दीक हैं तो आप उनके पास भी जमा करवा सकते हैं। फिर 18 से 26 सितंबर तक जो आंसर सीट है उनकी जाँच अपने अपने अध्यापकों द्वारा कर ली जाएगी, और उसका परिणाम भी तैयार कर लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर इंटरनेट की सुविधा जहाँ पर नहीं है, वहाँ के जो प्रधानाचार्य या मुख्य अध्यापक है या अन्य स्टाफ है, वो इस कार्य को अंजाम तक पहुँचाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, और इन प्रयासों में सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका को बच्चों के घर तक पहुँचाना। सही मायने में अगर मैं कहूँ तो ये परीक्षा न केवल बच्चों की है, बल्कि साथ साथ हम सबकी, चाहे अभिभावक हों चाहे अध्यापक हों, सबकी परीक्षा है। तो बहुत से सवाल अभी भी आपके बाकी हैं जिनके जवाब शायद मैं नहीं दे सकता हूं। आप सभी अपना अपना ख्याल रखें, हमेशा की तरह मैं
जानता हूँ और मुझे कोई संदेह नहीं कि आप इस कार्य को बेहतर से और बेहतर करेंगे। आपको और बच्चों को पेपर के लिए शुभकामनाएं। अंत में ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। धन्यवाद, आपने मुझे बड़े ध्यान से सुना। थैंक यू।